सरकार के आश्वासन के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भारी गिरावट जारी। आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 68 तक पहुंची। शेयर बाजार में भी गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 230 अंकों की गिरावट के साथ 17,738 पर खुला। निफ्टी भी 70 अंकों की गिरावट के साथ 5,218 पर खुला। भाजपा ने शेयर बाजार और रुपए में गिरावट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यशवंत सिन्हा ने कहा, सरकार अर्थव्यवस्था पर से पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी है। सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता ने कहा, सरकार को बाजार में विश्वास बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए। कहा कि रुपए की कीमत गिरने से बाजार में बढ़ेगी मुनाफाखोरी। रुपए में गिरावट के चलते निवेशकों का सोने में रुझान बढ़ा। सोना शानदार बढ़त के साथ 34,000 के स्तर से भी ऊपर कर रहा है कारोबार। वडोदरा में 2 इमारतें हुई जमींदोज। कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर। 30 से 35 लोग मलबे में दबे, 10 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% तक सीमित रखने पर जताया विश्वास। 10 सूत्रीय फार्मूले में विकास के मद्देनजर निर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोयला आवंटन मामले में अदालत की निगरानी में हो रही जांच में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले मंजूरी की जरूरत नहीं। केंद्र ने पहले कहा था, मामले में पूर्वानुमति लेना होगा जरूरी। सीरिया में कथित रासायनिक हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी सीरिया के खिलाफ हमला करने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगे। सीरिया के प्रमुख सहयोगी रूस ने आगाह किया कि सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। सीरियाई शासन ने कहा कि वह अपने देश की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान में तालिबान की गोलियों का शिकार हुई मलाला यूसुफजई को 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली 2011 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तवाकुल कारामान 6 सितंबर को हेग में मलाला को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। दीपिका कुमारी पेरिस में खेले जाने वाले विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय दावेदार। दीपिका लगातार चौथे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। ये मुकाबले 21 से 22 सितंबर के बीच पेरिस में खेले जाएंगे। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। लगातार 2 जीत के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतने की होगी, ताकि वे अपने पूल बी में शीर्ष पर रहने के साथ सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जगह मलेशिया से भिड़े। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। माखनचोर कृष्ण के जन्मदिवस को मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़।